हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिटहब। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करने से पहले वी वुड बी कवरिंग कि रिपोजिटरी एक्चुअली होती क्या है, गिट में ऐसी क्या एडवांटेज है, राइट, और हाउ डज इट कंपेयर अगेंस्ट द अदर रिपोजिटरीज। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है रिपोजिटरी, राइट। रिपोजिटरी बेसिकली हमारा रिविजन कंट्रोल सिस्टम है। आप इसे ऐसे समझिए कि आपने कुछ कोड लिखा, आपने सिस्टम में चेक इन करा, आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, दैट इज यू रिवाइज द कोड, now you would be checking that system in again। repository क्यों use करते हैं? सबसे important चीज है कि आप अगर अपने system में code save करके रख रहे हैं, आप उसकी versions maintain करके रखेंगे, आप उसकी copies maintain करके रखेंगे, after a certain point in time कुछ ना कुछ उसमें मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से इश्यूज क्रीप इन होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। सेकेंडली हार्डवेयर फेल हो सकता है। थर्ड, व्हेन यू आर वर्किंग विद अ टीम दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। तो एक्सक्यूज मी, तो ये दो तीन हमारी रीजंस हैं जिसकी वजह से रिपोजिटरीज हमें यूज करनी होती है। अब रिपोजिटरीज हमारी दो टाइप की होती है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इसका एग्जाम्पल हो गया SVN, इसका एग्जाम्पल हो गया मेरा Git Mercurial। एक Perforce करके भी होती है लेकिन ज्यादातर ये यूज होती है, एंड इसमें से भी सबसे ज्यादा अब ये यूज होती है, Git ही यूज होता है हमारा GitHub। So Git is the underlying technology that is used in GitHub। अब ये centralized और decentralized का basically मतलब क्या है? Centralized का मतलब ये है कि मेरे कोड की कॉपी सिर्फ एक सर्वर में सेव हो रही है, और ये सपोज मेरा सर्वर है, ये मैं हूँ, राइट, मैं यहां से पुल करूंगा, मैं यहां से कमेंट करूंगा, राइट। तो एक मेरी कॉपी है, सेंट्रल कॉपी, जो मेरी सेव हो रही है और प्रोग्रामर्स इसी कॉपी में कमिट करते हैं। डिसेंट्रलाइज में बेसिकली क्या होता है कि हर एक डेवलपर के पास उसकी एक लोकल कॉपी होती है। सो ये मेरी हो गई सर्वर पे कॉपी C1, C2, और ये मेरा वर्कस्पेस, राइट। तो ये मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेरी एक लोकल कॉपी बन गई जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक प्रेमिस ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। अब यहां पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं क्योंकि मैं एक दो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं गिट के। ये दो तीन कमांड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये मेरा सर्वर है जहां पर मेरा कोड है, अज्यूम करते हो गिट हब है, राइट। गिट हब अगर आपको पता हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़े टाइम पहले भी एक्वायर किया था। दिस इज माय लेटेस्ट कॉपी एंड दिस इज माय वर्कस्पेस। तो मतलब ये मेरी हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं पर है। अगर मैं विंडोज यूज करूँ, मेरी सी ड्राइव डी ड्राइव में कहीं पर मैंने रिपोजिटरी सेव कर रखी है। अगर मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द फाइल स्ट्रक्चर दैट आई हैव, अगर लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द फाइल स्ट्रक्चर आई हैव, दैट लोकल कॉपी अलोंग विद द हिस्ट्री वुड बी प्रेजेंट इनसाइड माय सिस्टम। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा आप कह लो कॉपी वन या फिर सर्वर के अंदर कॉपी वन, ये मेरी लोकल कॉपी टू, ये मेरा वर्क स्पेस। व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव अ पुल रिक्वेस्ट। मैंने अपनी लोकल कॉपी पे एक पुल रिक्वेस्ट करी, जो भी चेंजेस थे लेटेस्ट थे, मेरा अपडेट आ गया, मैंने इसमें चेंजेस करे,
मैंने ऐड एडिट डिलीट कुछ भी करा एंड देन आई कमिट. अब जो मेरा कमिट होता है दिस कमिट हैपेंस एट अ लोकल लेवल. मैं एक चेंज कर सकता हूं, मैं एन चेंजेस कर सकता हूं, मैंने कमिट करके रख दिया. नाउ आफ्टर दिस आई विल पुश माय कोड टू माय रिपोजिटरी. तो ये हमारा मेन गिट का स्ट्रक्चर है, राइट. अब हम आते हैं कि एडवांटेज क्या है, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था. इफ समबडी वांट्स अस टू कवर द डिफरेंट कमांड्स ऑफ गिट यूजिंग रियल एग्जांपल्स, वो भी हम कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, राइट. वी वुड मोर देन हैप्पी टू कवर ऑल डिफरेंट केसेस, पुल पुश डिफरेंस मर्ज, ये सब चीजें हम किस तरीके से करते हैं रियल टाइम पे. तो हम आते हैं एडवांटेजेस पर. अब आपके पास एक लोकल कॉपी है, राइट. अब लोकल कॉपी जो है आपके लोकल सिस्टम पर है, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, इट इज एक्सट्रीमली फास्ट. एटलीस्ट द कमेंट पार्ट, इट इज एक्सट्रीमली फास्ट. दूसरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसमें ये है कि जो कमिट है वो लोकली होता है एंड देन इट इज पुश्ड टू माय मेन रिपोजिटरी. थ्री, मल्टीपल डेवलपर्स कैन वर्क टुगेदर. SVN में बहुत बार क्या होता था कि अगर मैंने कोड चेक इन कर रखा है तो कोई और इतनी आसानी से उसको चेकआउट नहीं कर सकता, राइट. वेयर एज इन दिस केस एज एवरीबॉडी इज हैविंग अ लोकल कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी ऑफ देयर मशीन्स, दे आर फ्री टू यूज दैट कॉपी. फिर जो मुझे सबसे प्रैक्टिकल एडवांटेज लगती है कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है एटलीस्ट कमिट करने के लिए. आप ये लेकर चलिए कि अगर मैं कुछ लोकल चेंजेस कर रहा हूँ अपने सिस्टम में, आई डू नॉट हैव टू चेक दैट चेंज इनटू द सर्वर एवरी टाइम. अगर मैंने कुछ एक क्लास चेंज करी एंड उस क्लास के चेंज की वजह से कहीं और पर इफेक्ट आने वाला है, बट आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उससे पहले मैं अपना कोड चेक इन करता हूँ. अगर SVN है तो भाई पूरी दुनिया को पता है कि मैंने कोड अभी वो चेक इन करा है. Whereas that code check-in should not have been publicly available for all the developers to see. Whereas in this case, मैं commit अपने local पे करता हूँ to be on the safer side. And when I'm ready, then only I will push the code to the main repository. Right? Frequent check-in ये actually हर एक developer का अपना अपना behavior होता है, हर एक team का भी अपना अपना behavior होता है. कुछ लोग code बहुत frequently check-in करते हैं. It is recommended that you check in your code frequently, right? In that case, you know, GitHub makes very intuitive sense for your case. So, अब आपके जो commits हैं, वो तो local ही हो रहे हैं, तो आपको internet connection की ज़रूरत ही नहीं है. जब आपको internet connection मिलेगा, तब अपना अपना code push कीजिए. उसके बिना जरूरत नहीं है. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, इंटरनेट की इश्यू है, दैट डज नॉट मीन दैट द वर्क स्टॉप्स, राइट. आपका वर्क कंटिन्यू करता रहेगा, राइट. जैसे एडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कॉपीज लोगों के लोकल सिस्टम में बननी शुरू हो जाती हैं आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम. प्लस क्योंकि हिस्ट्री भी रिपोजिटरी के साथ में टाइप होती है, साथ में ही होती है, उस वजह से भी इट बिकम्स लिटिल कंबर्सम टू डाउनलोड द हिस्ट्री एवरी टाइम. नॉट एग्जैक्टली एवरी टाइम, बट ओवरऑल इट इज अ डेटा रिलेटेड इश्यू, राइट. तो हमने इस केस में हमने एडवांटेजेस के साथ समझ लिया कि
हमारी रिपोजिटरी होती क्या है, हमने सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की रिपोजिटरीज देखी, किस तरीके से हमारे पुश पुल और कमिट स्टेटमेंट्स काम करती हैं, हमने थोड़ा बहुत आइडिया उसका ले लिया, पर हमने एडवांटेजेस और एक आध डिसएडवांटेज डिस्कस करी। अगर आपको ये सेशन पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल। अलॉन्ग विद दैट इफ यू वॉन्ट अ सेशन ऑन एडवांस्ड रिपोजिटरी वर्क्स राइट, मतलब गिटहब किस तरीके से एक्चुअली काम करती है, क्या कमांड्स हम यूज़ करते हैं, विंडोज में किस तरीके से होता है, मैक में किस तरीके से होता है, देन प्लीज़ डू ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।